हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, जो कि क्रिस्टियाना रोजेटी की लिखी गई शॉर्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पोइम है। अब जानते हैं रोजेटी के बारे में। इनका जो जन्म है वो 5 दिसंबर 1830 को लंदन में हुआ था। जो नोटेबल कार्य है वो है गोबलिन मार्केट, ए पेज एंड। इनको काफ़ी काफ़ी फेमस थी अपने टाइम में अपनी राइटिंग में। डेथ हुई थी 19 दिसंबर 1894 में, 64 की एज में इनकी डेथ हो गई थी, लंदन में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस पोइम के बारे में। इस पोइम का टाइटल है व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, और ठीक वैसे ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। पोइम की शुरुआत होती है, व्हेन आई एम डेड माय डियरेस्ट, सिंग नो सैड सॉन्ग्स फॉर मी, प्लांट थाउ नो रोजेज एट माई हेड, नो सैडी साइप्रेस ट्री। इस पोइम में मृत्यु और जीवन दोनों के बारे में बताया गया है। और जो स्पेशली इस पोइम में बताया गया है वो ये है कि जब आपका बहुत ही ज़्यादा कोई क्लोज, आपका बहुत ही ज़्यादा डियरेस्ट, जब उसकी मौत हो जाए तो क्या होता है, वो सब इस पोइम में डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन आई एम डेड माई डियरेस्ट को टू स्टेंजा में बांटा गया है, और दोनों स्टेंजा को डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा में वो बताती है कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है अपने लवर से अपने मरने के बाद में। और जो सेकंड है स्टेंजा, उसमें वो बताती है कि वो क्या फील करती है अपनी डेथ के बाद में, अपने मरने के बाद में जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें जो स्पीकर है वो बताती है अपने नियरेस्ट, अपने डियरेस्ट को कि जब वो मर जाए तो उसके लिए कोई भी सैड सॉन्ग मत गाना। उसकी जो डिमांड है वो ये नहीं है कि तुम उसकी कब्र पे गुलाब का पौधा लगाओ और कोई छायादार सरू का जो वर्ष होता है उसे लगाओ। उसकी ये डिमांड नहीं है कि तुम उसकी जो कब्र है उसको डेकोरेट करो, यानी उसे शो नहीं चाहिए, उसे रियल प्यार वाली फीलिंग चाहिए। वह अपने लवर को बताती है कि अगर तुम लगाना ही चाहते हो उसकी कब्र पर, तो तुम हरी घास है जो लगा देना, ताकि जो हरी घास वर्षा से और ओस की बूंदों से भरी हो, उस तरह की घास तुम मेरी कब्र के ऊपर लगाना, ताकि उसे नज़दीक महसूस हो सके नेचर के। यानी यहाँ पे जो नेचर के लिए जो पोइटेज का प्यार है उसे उसने बताया कि ताकि वो नेचर से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके और उसे ये लगे कि वो भी जीवित है। क्योंकि नेचर से जब हम कनेक्ट होते हैं तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, तो उसे ऐसा लगे कि वो नेचर के नज़दीक है तो वो जीवित है। अब आगे वो अपनी लवर को कहती है कि ये तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मुझे याद रखो मरने के बाद में, ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। तुम चाहो तो मुझे याद रख सकते हो और तुम चाहो तो मुझे भूल भी सकते हो, ये चॉइस है वो तुम्हारी है, ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ। कि जब वो मर जाएगी तो उसके बाद में वो जो परछाई है उसे ना ही कभी देख पाएगी, ना ही वो कभी बारिश को महसूस कर पाएगी, ना ही कभी वो कोकिला का जो नाइट एंगल होती है उसका सैड सॉन्ग है वो सुन पाएगी। जो स्पीकर है वो ये तो वादा करती है कि जो गोधूली होगी उस टाइम वो सपना तो देखेगी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं ले ले रही है कि वो अपना जो लवर है, अपना जो डियरेस्ट है उसे याद रख पाएगी या भूल जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सपना वो ज़रूर देखेगी, इस बात का वो प्रॉमिस करती है। अब यहाँ जो स्पीकर है वो ये कहती है कि इस बात की भी निश्चितता नहीं है कि वो अपने मरने के बाद में जो उसके इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो अपने डियरेस्ट के साथ में, अपने लवर के साथ में शेयर कर पाएगी या नहीं, इस बात की भी कोई निश्चितता नहीं है। पोइम की जो थीम है उसमें जो डेथ है उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि लाइफ,
जैसे कि लाइफ का होना सच है, ठीक वैसे ही डेथ मरना भी एक सच है, जो कि हमें रिलीफ करता है, हमें मुक्ति देता है, जो कि हमारी जो सांसारिक दुख है और जो हमारी शारीरिक बीमारियां हैं उन सब से ये हमें रिलीफ करता है, रिलीफ देता है। सेकंड है मोर्निंग। इसमें जो रोजेटी है वो आर्ग्यू करती है कि जो मौत है, डेथ है, वो एक सच है और इससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। थर्ड है लाइफ एंड पेन। यहाँ रोजेटी बताती है कि लाइफ और पेन एक दूसरे की पर्यायवाची है। अगर लाइफ है तो पेन है, जब तक लाइफ है तब तक दर्द तो रहेगा ही, और अगर दर्द से छुटकारा सिर्फ हमें मौत ही देती है। यानी इसमें डेथ को काफ़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है इस पोइम में, यानी कि जब तक जीवन है तब तक दर्द है, दर्द से छुटकारा नहीं मिल सकता, और दर्द से छुटकारा चाहिए तो वो सिर्फ एक मौत ही दे सकती है। फोर्थ है अटैचमेंट। जो पोइटेज है वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसमें हमें हमारा किसी से अटैच होना, किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ना, ये तो होता ही है, और किसी से इतना जल्दी अलग हो जाना भी इजी नहीं है इंसान के लिए, लेकिन हमें टाइम रहते ये चीज़ सीख लेकिन टाइम रहते ही हमें एक दूसरे से अलग होना सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक सच है कि एक ना एक दिन हम एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे, तो इस बात के लिए भी हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।